हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना टॉपिक है मटेरियल साइंस। तो हमने मेटल्स तो देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, पर अब कुछ ऐसे मेटल है जो मेटल्स में नहीं आते पर मटेरियल में उनका गिनती होता है, जैसे टिम्बर, टिम्बर और रबर। ठीक है, पहले देखिए टिम्बर क्या होता है और रबर क्या होता है। टिम्बर होता है जनरली लकड़ी, लकड़ी से बनी हुई चीजों को टिम्बर कहते हैं। ठीक है, रबड़ तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो टिम्बर का प्रोसेस क्या है देखिए, सुनिए। जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको काटा जाता है। डायरेक्ट उससे कोई चीज तो बन नहीं जाएगा, पेड़ को काटे और बेड तैयार हो गया, पेड़ को काटे डेस्क तैयार हो गया, नहीं। उसका प्रोसेस होता है कि पेड़ को काटा जाता है, उसके छिलके जो होते हैं उसे हटाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी चिराई होती है, चिराई मतलब स्विंग, SWING। ठीक है, SAWING। क्या होता है स्विंग, SAWING। ठीक है, स्विंग चिराई कहते हैं, जिसमें काटा जाता है लकड़ी को, पतले पतले फट फट्टे समझते हैं, इतने मोटाई के जो लकड़ी के लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, जैसे डेस्क के ऊपर जो रहता है या बेंच में जो रहता है उसे फट्टे कहते हैं। तो चिराई किया जाता है, जिस मोटाई का हमें ऑब्जेक्ट बनवाना है उस मोटाई का चिराई होता है। ठीक, फिर उसको जोड़ के जैसे अलग अलग फट्टे बने, फट्टों को फिर नीचे से दूसरे फट्टे से जोड़ के ऊपर का एक तैयार किया जाता है पूरा ढांचा। ठीक है, तो टिम्बर होता है जनरली लकड़ी का बना हुआ, या जो लकड़ी होता है उसी को टिम्बर कहते हैं। जब वो पूरा प्रोसेस के बाद तैयार हो जाता है कि अब ऑब्जेक्ट इससे बनेगा, जिस लकड़ी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है वो टिम्बर होता है। ठीक है, जब तक वो अभी पेड़ से निकला तो वो जब तक जनरली लकड़ी है। ठीक है, और रबर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसके अंदर यांत्रिक के गुण पाए जाते हैं, कौन सा, प्लास्टिसिटी। मैंने मैकेनिकल एक गुण बताया था, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या था, कि अगर किसी चीज पे हम फोर्स लगाएं और उसको हम मोड़ने की कोशिश करें या फिर फोर्स हटाएं तो वापिस वो अपनी जगह पे चला जाए। प्लास्टिसिटी किस में होता है, रबड़ में होता है, याद रखना। ठीक है, तो अब देखा जाएगा एक करके कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने टाइप्स के हैं, हर एक टाइप को देखा जाएगा। ठीक है, पहला है प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, टिम्बर की प्रॉपर्टी, लकड़ी के गुण क्या है। ठीक है, जैसे कि उसमें जंग नहीं लगता, आपको पता है लकड़ी में जंग नहीं लगता। ठीक है, लचीलापन होता है। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ये इसकी थोड़ी एक गुण भी है, अवगुण भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आग बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, मेटल के तुलना में टिकाऊ होता है। ठीक है, वजनदार होता है, लकड़ी का जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वजनदार रहता है। ठीक है, अब बिना गाठ का होता है, अगर टिम्बर है तो बिना गाठ का रहेगा, लकड़ी जैसे कि कहीं कहीं लकड़ी का अचानक डाली निकल गया तो वहां एक टाइप का गाठ बन जाता है, जो इम्बुनी जिसे कहते हैं, इस टाइप का हो जाता है। जैसे हमारा हाथ आया है यहाँ से, यहाँ ज्वाइंट है, तो ये वाला जो एरिया है वो गाठ का रूप, इसे गाठ कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ों में भी होता है, पर जब टिम्बर होता है, जब उसकी चिराई होती है तो वो गाठ बिल्कुल एक प्लेन उसमें बन जाता है। ठीक है, तो दिखता नहीं है। अब क्लासिफिकेशन देखिए क्या है टिम्बर की, दो प्रकार के होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट टिम्बर क्या होता है, यह कास्ट बहुत मृदुल होता है, मृदु मतलब कि सॉफ्ट। ठीक है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। देखिए, जो कमजोर और वो होगा उसके और अलग अलग गुण, जैसे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इसके गुण क्या क्या है, इसमें खुशबू होती है। अब देखिए, खुशबू जिन पौधों में आती है पौधे थोड़े कमजोर होते हैं, कभी देखो पीपल में या बरगद में खुशबू आती है, नहीं, क्योंकि मजबूत है। शीशम में उनमें खुशबू नहीं आती, सागवान हो गया बहुत मजबूत लकड़ी होता है सागवान, उसमें कोई खुशबू नहीं आती। और आ गया आपका गुलाब में खुशबू है, उसकी लकड़ी कोई काम की है, कोई काम नहीं। तो सॉफ्ट जो लकड़ियां होती हैं, टिम्बर होता है, उसमें खुशबू अच्छी आती है, इसके लट्ठे का रंग हल्का होता है। ठीक है, लकड़ी का रंग, जो रंग है वो हल्का होता है,
ठीक है। और कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनमें खुशबू आती है, उनका यूज जनरली काम किया जाता है, जैसे खिड़की बनाने में, बास्केट बनाने में, जो लकड़ियों के देखे होंगे सामान उमान ले जाने के लिए रहता नहीं बास्केट टाइप का, वो सब बनाने में, खिड़की बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फर्नीचर के कुछ का छोटे मोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है। जो हार्ड टिम्बर है ये बहुत कठोर होता है, इसका रंग गहरे भूरे रंग का होता है, यह बहुत, इसके रेशे बहुत मजबूतदार होते हैं, मजबूत होते हैं, और इसमें अम्ल बहुत होता है। अम्ल मतलब होते हैं एसिडिटी, मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में एक पढ़ाया था एसिडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी जिसमें ज्यादा है वो मजबूत रहेगा सामान, जिसमें अम्लीय क्षमता ज्यादा रहती है, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है भारी कामों में होता है, जैसे दरवाजे, बेड, कुर्सी, टेबल, दीवान, पलंग, ठीक है, टेक्सचर जितने भी आते हैं मजबूत चीजें बनाने। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रबड़। अब रबड़ भी देखिए तीन तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, जो पौधे के लार से प्राप्त होता है। देखे होंगे कभी रबड़ का देखना हो तो साउथ की तरफ कभी जाइएगा, देखिएगा केरला में हम देखे हैं कि बहुत सारे पेड़ का पूरा एक खेती टाइप होता है रबड़ का, बहुत पेड़ लगे हैं। अब पेड़ के जगह जगह पे जैसे एक पेड़ यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो क्या करता है कि जगह जगह कट लगा के और एक इसमें नली सा बना देता है, और नीचे बर्तन रखा होता है बाल्टी टाइप का, बाल्टी या बकेट जो भी है, ठीक है, उसमें बूंद बूंद करके गिरता रहता है। यहाँ कट लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, यहाँ से एक नली सा बना के नीचे बकेट रख दिए, इसमें बूंद बूंद गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा नेचुरल रबर, जो 50 डिग्री सेल्सियस के बाद कठोर हो जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पे चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल वाला खासियत, जो अगर 50 से ज्यादा इसे मिले तो ये कठोर हो जाएगा, 30 से कम पे चिपचिपा हो जाएगा, नमी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। उसका है हार्ड रबड़। रबड़ का कठोर बनने के लिए उसमें सल्फर तथा वेकलिनाइजिंग सल्फर मिलाया जाता है, नेचुरल में ही सल्फर और वेकलिनाइजिंग प्रोसेस किया जाए तो हार्ड रबड़ बन जाता है, ठीक है। क्या मिलाते हैं? सल्फर, ठीक है, सल्फर मिला के उसे वेकलिनाइजिंग प्रक्रिया प्रोसेस द्वारा इसे हार्ड बनाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पैनल बोर्ड तथा बैटरी के कंडक्टर इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिंथेटिक रबड़, कृत्रिम रबड़ जो लोगों ने बनाया है, वैसे हार्ड रबड़ को भी इंसानों ने बनाया है नेचुरल में सल्फर को मिला के, पर जो कृत्रिम रबड़ है ये इन्हें साइंथेटिक रबड़ कहते हैं, क्योंकि ये पूरा इंसानी द्वारा निर्मित होता है, इसमें नेचुरल का कुछ भी भाग नहीं लिया जाता, ठीक है। इसमें नेचुरल का लिया जाता है, नेचुरल रबड़ लेने के बाद उसमें मिक्स करने के बाद हार्ड रबड़ बनाया जाता है, पर साइंथेटिक में नेचुरल का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। यह थर्मोप्लास्टिक या हाई पॉलीमर से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल टायर में किया जाता है, ट्यूब में किया जाता है, टायर ट्यूब देखियो रबड़ होते हैं पर कितना कठोर होता है, कितना मजबूत होता है, तो साइंथेटिक होता है, पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये टिम्बर और रबड़ तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी और देखेंगे, अभी एक क्लास मटेरियल साइंस का कल लास्ट क्लास चलेगा अभी एक, ठीक है। धन्यवाद।